Hey guys, this is Diksha Juhi. Welcome to my channel Easy to Learn. Guys, आज के इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को डिस्क्राइब करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं क्रोमैटोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी एंड यूज ऑफ क्रोमैटोग्राफी. तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं. क्रोमैटोग्राफी. The term chromatography is derived from two Greek word, that is chromatos means color and graphos means written. Guys, ये जो term chromatography है वो दो Greek word से लिया गया है, जिसमें पहला है chromatos जिसका मतलब होता है color और दूसरा है graphos जिसका मतलब होता है written. The International Union for Pure Applied Chemistry defined chromatography as, guys, International Union for Pure Applied Chemistry means guys IUPAC द्वारा क्रोमैटोग्राफी को इस तरह से परिभाषित किया गया है. A method used for separation of the component of the sample in which the components are distributed between two phase, one is stationary and other is mobile. Guys, chromatography एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग sample के components को अलग करने में किया जाता है, जिसमें कंपोनेंट के दो फेज यानी दो चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण है स्टेशनरी, इसका मतलब होता है गाइज स्थिर, और दूसरा चरण है मोबाइल मतलब कि गतिशील. रशियन बोटैनिस्ट मिखेलिस टस्वेट इन 1906 क्वाइंड द टर्म क्रोमैटोग्राफी. गाइज रशियन बोटैनिस्ट मिखेलिस टस्नेट ने 1906 में क्रोमैटोग्राफी टर्म दिया था. नेक्स्ट गाइज अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी के बारे में. क्रोमैटोग्राफी इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. पेपर क्रोमैटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, गैस क्रोमैटोग्राफी, FNT क्रोमैटोग्राफी. नेक्स्ट गाइज है प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी, मतलब गाइज क्रोमैटोग्राफी के सिद्धांत. It is based on the phenomenon of adsorption and differential migration of components of a mixture. This requires two alternative phases. One is mobile phase consisting of moving solvent and other is stationary phase also known as matrix. गाइज ये यानी कि क्रोमैटोग्राफी मिक्सचर के कंपोनेंट के एडजॉर्प्शन यानी सोखने की मतलब की जो क्षमता है वो, और उसके डिफरेंशियल माइग्रेशन के फिनोमेना यानी घटना पर आधारित होता है. इसके लिए दो वैकल्पिक फेजेस होते हैं. पहला जो फेज होता है वो मोबाइल यानी कि गतिशील होता है, जिसमें गतिशील सॉल्वेंट शामिल होते हैं, और दूसरा होता है स्टेशनरी फेज जिसमें जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं. द सॉल्वेंट मूव्स थ्रू द मैट्रिक्स. द मटेरियल्स फॉर्मिंग द स्टेशनरी फेज कंटेन साइट्स टू विच मॉलिक्यूल फ्रॉम द मोबाइल फेज कैन बाइंड. As an individual molecule interact with the material of matrix, their mobility through matrix is retarded. This called impedance. Guys, solvents जो होते हैं वो matrix के माध्यम से चलते हैं, और stationary phase को form करने वाले materials में वे sites होते हैं जिनमें mobile phase के molecules जो होते हैं guys वो आकर के bind कर सकते हैं यानी बच सकते हैं. जैसे individual molecules matrix material के साथ interact करते हैं means guys प्रभाव डालते हैं, वैसे ही guys इनकी जो matrix के through mobility होती है वो धीमी हो जाती है. इसे guys प्रतिबाधा कहा जाता है. Thus greater the affinity of a particular type of molecule for the matrix, the slower they move down through the column. Thus chromatography works on propelling of molecules through chromatographic column and their impedance by matrix.
गाइस, इस प्रकार मैट्रिक्स के लिए एक विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल की एफिनिटी मींस गाइस मेल या लगाव अधिक होती है और वे धीमे धीमे कॉलम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। गाइस, इस प्रकार क्रोमैटोग्राफी जो होती है वो क्रोमैटोग्राफिक कॉलम और मैट्रिक्स द्वारा उनके प्रतिबाधा के माध्यम से मॉलिक्यूल्स के प्रसार पर काम करती है। नेक्स्ट गाइस, अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ क्रोमैटोग्राफी के बारे में। नंबर वन, इट इज़ यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ कलरलेस कंपाउंड्स और कलरलेस सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। गाइस, इसका उपयोग मिक्सचर से कलरलेस कंपाउंड या कलरलेस मटेरियल को पृथक करने में किया जाता है। नंबर टू, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर फ्रैक्शनिंग गैस लिक्विड्स और डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। गाइस, इसका उपयोग गैस लिक्विड मींस गाइस द्रव और घुलित ठोस को भी खंड करने में किया जाता है, मतलब ये फ्रैक्शन करने में किया जाता है। नंबर थ्री, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग पिगमेंट्स प्रोटीन्स कंपोनेंट्स डीएनए एंड आरएनए और दियर न्यूक्लियोटाइड्स। गाइस, इसका उपयोग पिगमेंट्स यानी प्रोटीन के कंपोनेंट्स जैसे कि डीएनए और आरएनए या इनके न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उन्हें अलग करने में भी किया जाता है। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस हमारी वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।